हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वंस अगेन दिस इज वीरज शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम प्रोग्राम के अंदर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज आती है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री, तो उसके हम लोग आंसर्स वगैरह देते हैं। और आज एक बार फिर से हम लोग देखने के लिए जाते हैं कि क्या क्वेरीज आई है। लेट्स सी द सॉल्यूशंस ऑफ दैट क्वेश्चंस। सो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, विच इज ओमकार सूतर। इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि हाय सर, मुझे ये जानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या मैं सपोज ओनली वन प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ क्या? सपोज मेरे पास जिंजर की खेती होती है तो ओनली जिंजर मैं सेल कर सकता हूँ क्या? तो ओमकार जी ने पूछा हुआ है कि क्या उनके पास एक प्रोडक्ट है और सिर्फ वही एक सिंगल प्रोडक्ट लेकर क्या वो मार्केट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं कि नहीं। तो ओमकार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम। और जो आपका क्वेश्चन है कि अगर आपके पास जिंजर की खेती होती है, फार्मिंग आप वगैरह करते हो और वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो उसको लेकर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखो, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे दिस प्रोडक्ट जिंजर, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रोडक्ट आता है। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और इन एनी इंडस्ट्री, व्हेन यू आर अप्रोचिंग द इंडस्ट्री विद अ सिंगल प्रोडक्ट, तो बहुत इसके दो पर्सपेक्टिव हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर। कि कोई ये समझता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट ही होना चाहिए और उसका मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज होता हूं, तो मैं बहुत आसानी से उस चीज को कर पाता हूं और इट विल बी लाइक अ मोनोपोली काइंड ऑफ द थिंग, कि इसका सबसे अच्छा नॉलेज मेरे पास है, इसका सबसे अच्छा सप्लाई मेरे पास है और इस चीज को मैं इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरीके से उसको टारगेट कर पाऊंगा या तो पिच कर पाऊंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस। बट यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जब आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करते हो और खास करके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये कैटेगरी में जब आप काम करते हो, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डील विथ ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट। बिकॉज जैसे हम लोग जानते हैं और शायद आपने भी सुना होगा ओमकार जी की, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, कभी उस प्रोडक्ट को फ्री कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला जाता है या रिस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाला जाता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स इफ यू आर डीलिंग विद ओनली सिंगल प्रोडक्ट, तो दिक्कतें आ सकती है, शायद आपका बिजनेस पूरा ठप हो सकता है, पूरा बंद हो सकता है। और उस टाइम के ऊपर अगर आपके पास दूसरे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, सोर्सिंग नहीं है या बायर्स का कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर दिक्कतें आना शुरू हो सकती है। बिजनेस जो आपका जिस लेवल पे पहुंच चुका था उसको वापस एक बेसिक मोड पे आ जाते हो आप। तो आई विल रिक्वेस्ट कि नॉट डीलिंग विद अ सिंगल प्रोडक्ट, बट ऑब्वियसली डीलिंग विद अ सिंगल इंडस्ट्री एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप जिंजर कीजिए, उसके साथ गार्लिक कर सकते हैं तो वो कीजिए, अनियन कर सकते हैं तो वो कीजिए, तो उस तरीके से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को एक साथ में लेकर चलिए, विच आर बिलोंग्स विद द सेम कैटेगरी, विच आर बिलोंग्स इन द सेम बास्केट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैटेगरी, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बहुत बार ऐसा भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वो वेदर के ऊपर डिपेंडेबल होता है, और कई बार हम लोगों ने देखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ रेनिंग एट द रॉन्ग टाइम तो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, आपकी खेती पूरी खराब हो सकती है उस टाइम के ऊपर, जो क्रॉप आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर डील नहीं कर पाओगे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉमोडिटी में आता है तो उसके प्राइसेस भी अप्स एंड डाउन रहते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट ओमकार जी कि जो आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेकर मैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ूंगा, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होती है जो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, उसका मैन्युफैक्चरिंग आप स्मूथली रनिंग कर पा रहे हो, तो वो अलग चीजें होती है। बट जब आप कॉमोडिटीज में डील करते हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि एक प्रोडक्ट में डील मत कीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसी बास्केट के अंदर साथ में लेकर चलिए। तो ओमकार जी, होपफुली आई हैव गिवन योर आंसर कि जहां पे जो आपकी क्वेरी थी कि नहीं मुझे एक प्रोडक्ट में डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट कि एक प्रोडक्ट की जगह पे एक इंडस्ट्री में फोकस कीजिए और उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच ओमकार जी। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट और सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमारे वीडियोस को रिस्पॉन्सेस देते रहिएगा। और एनी अदर डाउट से कोई क्वेरी है सो प्लीज मोर देन वेलकम, अगेन आप इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हो एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, बी विद ट्रिपल आई एम, बी विद द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।